हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ज्योमेट्री चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 9। ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जनरली स्टूडेंट वो थोड़ा टेंशन के साथ और थोड़े कंफ्यूजन के साथ वो पढ़ते हैं, समझते हैं। उनके माइंड में एक ऐसा पिलर, एक पिक्चर सेट हो जाता है कि इट इज काइंड ऑफ टफ सब्जेक्ट, बट इट इज माई चैलेंज एंड इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज माई ओपिनियन दैट ज्योमेट्री इज नेवर अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट एवर इन द मैथ्स, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द ज्योमेट्री चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 9। बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द bell icon so that our new videos get updated very first to you all. So let's start with the geometry chapter 2, the parallel lines. Friends, तो आज हमारे ये first lecture में of parallel lines सबसे पहले हम लोग समझेंगे important points. अब important points क्या है तो याद रखिए, जनरली कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देयर मस्ट बी द बेसिक कंसेप्ट क्लियर टू ऑल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एंड दैट्स व्हाई सबसे पहले अबाउट दिस पैरेलल लाइंस वी विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स मेड बाय द पैरेलल लाइन। दिस इज द बेस ऑफ एंटायर चैप्टर। इन एंटायर चैप्टर यू आर गोइंग टू discuss, you going to solve what is corresponding angle, find alternate angles, find interior angles, etc., etc., etc. तो सबसे पहले ये सब क्या होता है, first let's discuss that. The first pair of angles made by the parallel lines is corresponding angle. Before starting this, इतना याद रखिए, parallel lines means what? The lines which never get intersect. जो lines कभी नहीं मिल सकती है, जैसे आपके ceiling और flooring ले लो parallel, आपके दो wall ले लो parallel. You consider the panel of this, the boundary of the board. It is parallel. They are never going to meet. So the two lines which never going to meet is considered as parallel line. ओके, नाउ एक ऐसा लाइन जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, अ लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ द पैरेलल लाइन, एक ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइन से पास होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्रांसवर्सल। ओके, अब क्वेश्चन है कि हमने ये क्यों समझा, हमें पैरेलल लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन तो था, हमने लोअर स्टैंडर्ड में समझा है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल ये भी तो हमने समझा था, एट स्टैंडर्ड में यू हैड दिस। तो याद रखिए, करस्पोंडिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल, दिस आर द थ्री मेन पेयर ऑफ एंगल्स मेड बाय द पैरेलल लाइंस। बट पैरेलल लाइंस के ऊपर ये तीनों टाइप के एंगल बनाता कौन है? तो इट इज मेड बाय द ट्रांसवर्सल। दैट्स व्हाई सबसे पहले हमने ये कंसेप्ट समझा, देयर इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू और दैट इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। आप लोगों को देखिए, यहां पर मैंने ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, दिस आर द पैरेलल लाइंस एंड इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, राइट? So now, corresponding angle, interior angles and alternate angles, it is made by this transversal only. बनता तो parallel lines के ऊपर ही है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? तो these pair of angles are made by this transversal. इसीलिए transversal is very important factor in parallel lines. Now let's start with the first pair of angle made by the parallel lines. Okay, now first corresponding angle.
देखो करस्पॉन्डिंग एंगल को याद रखने का तरीका हमें स्कूल में भी टीचर ने समझाया होगा कि यू कंसीडर एफ, ओके ये सीधा एफ हुआ, ये इन्वर्टेड एफ है, राइट। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द पैरेलल लाइंस, दिस इज द एंगल मेड बाय द पैरेलल लाइंस, ये रहा एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। यू कंसीडर उल्टा एफ, सो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ऐसा हमें स्कूल में बताया होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स मे गेट कंफ्यूज के एग्जैक्टली इसको याद कैसे रखना है, इसमें कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, बट मे बी स्टूडेंट फील हाउ टू क्लियर एंड हाउ टू रिमेंबर इट, तो उसका मैं एकदम सिंपल हिंट देता हूं। द सिंपल हिंट ऑफ इट इज जंप, द सिंपल हिंट ऑफ इट इज जंप। अब ये जंप क्या है, तो देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे याद रखना है। ये जंप, जंप यानी आपको क्या करना है, देखिए अगर आप ये डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये एंगल है और ये एंगल है, देखिए ये जंप हो रहा है। देयर आर टोटल थ्री एंगल मेड ऑन दिस एफ, आप लोग ये एफ पे देखो टोटल तीन एंगल मिले हुए हैं, एफ तीन एंगल बनाता है, कौन से तीन एंगल देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट एंगल हुआ, ओके ये आपका सेकेंड एंगल हुआ, ओके और ये रेड वाला मार्क थर्ड एंगल हुआ। टोटल थ्री एंगल्स मेड बाय द एफ, इसमें से करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो ये जो एंगल है उसके साथ आगे आने वाला एंगल छोड़ दो, और ये यानी आप क्या कर रहे हैं, यहां से आपने जंप किया। नाउ अगेन क्वेश्चन, ये तो समझ में आया, शायद हम यहां भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम समझे कैसे, तो देखिए मैं यहां पर मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, यू नंबर दी एंगल्स, आप लोग एंगल्स को नंबरिंग करो। नाउ वन, हमें करना क्या है, हम लोग सीढ़ियां उतरते हैं, वी डाउन अप दी स्टेयरकेस, तो फर्स्ट स्टेयरकेस से डायरेक्ट थर्ड स्टेयरकेस पे जाना है, थर्ड से डायरेक्ट फिफ्थ पे जाना है, सेकेंड और फोर्थ को छोड़ दें। आई एम रिपीटिंग, आप फर्स्ट स्टेयरकेस से थर्ड स्टेयरकेस पे जाइए, थर्ड से यू जंप टू फिफ्थ, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, फर्स्ट स्टेयरकेस इज वन, उसके नेक्स्ट टू है वो छोड़ दीजिए, थर्ड वन हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके सी दिस सेकेंड, सेकेंड एंगल, थर्ड तो आ गया छोड़ दीजिए, डायरेक्ट जंप टू फोर्थ, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, इज इट। नेक्स्ट सपोज वी कंसीडर फाइव, तो फाइव के बाद कौन है, विच वन इज सिक्स, लीव, डायरेक्टली जंप टू सेवन, इज इट क्लियर, अंडरस्टूड, लाइक दैट। एंड सिक्स्थ है, सिक्स यू जंप टू एट, यू गॉट माई वर्ड्स फ्रेंड्स, समझ में आया, वन से जंप करना है थर्ड पे, सेकेंड से जंप करना है फोर्थ पे, फिफ्थ से जंप करेंगे सेवेंथ पे, सिक्स्थ से जंप करेंगे एट पे, यानी कि दिस वे करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं एंड याद रख सकते हैं। हम लोग जनरली हमें नाम दिया जाता है, राइट हम लोग जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे दैट टाइम आल्सो वी विल डिस्कस, राइट, लेकिन वो टाइम पे दैट टाइम इफ वी गेट कंफ्यूज, द बेस्ट वे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू जस्ट नंबर इट इन अ सिक्वेंशियल मैनर एंड देन आपको फाइंड करना है फर्स्ट टू थर्ड इज फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, सेकेंड टू फोर्थ, सिमिलरली फाइव टू सेवन, सिक्स टू एट, यानी टोटल हाउ मेनी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर इज फॉर्म, फोर, राइट, दिस इज योर वन, सेकेंड एंड फोर्थ इज सेकेंड, फिफ्थ एंड सेवेंथ
is third, sixth and eighth is fourth. This is with this way we can easily find out the pair of corresponding angles made on parallel lines by the transversal. Okay, second, yani iske liye yaad rakhna hai jump. Second, interior angle pair. अब इंटीरियर एंगल्स क्या है? The name itself tells us. Interior याने अंदर. Interior means what? Inside. तो where inside? These are the parallel lines. ये parallel lines है. उसके अंदर याने दोनों parallel line के बीच में क्या बनेगा? Interior angle pair. What my words? अभी इसे याद रखने के लिए स्कूल में हमें ऐसा सिखाया जाता है. There is X form. X बनता है ऐसा X, ओके? ये आपके पैरेलल लाइंस हो गए, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया और ऐसा X बनेगा, ओके? तो दीज एंगल एंड दीज एंगल, ये दो और ये दो एंगल और ये दो एंगल, राइट? दिस टू दिस इज दिस पेयर ऑफ एंगल एंड दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर दी इंटीरियर एंगल्स, राइट? शेप क्या बना हमारा? एक्स. अब इसे याद रखने का पैटर्न क्या है? पैरेलल लाइंस. क्या याद रखोगे? पैरेलल लाइंस. अब ये पैरेलल लाइंस कैसे? तो सी दिस, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ये आपका फर्स्ट लाइन वन, ओके? एंड नंबर सिक्स एंड नंबर सेवन, ये आपका सेकेंड पैरेलल लाइन है. समझ में आ गया दोस्तों? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी क्लियर? टू एंड थ्री, सिक्स एंड सेवन. सी हियर एक्स इज फॉर्म्ड. ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एक्स. एक्स इज फॉर्म्ड तो टू थ्री सिक्स सेवन. These are the two interior angle pair. Hint क्या है? Parallel lines. अब देखो, how many pair of angles are formed? 2, 3, one pair of angle. 6, 7, other pair of angles. So how many pair of angles are there? 2 pair of angles. Okay? This way. Now, third hint is alternate angle. अभी ये alternate angles कैसे याद रखना है? तो सी फ्रेंड्स, हमें स्कूल में ऐसा बताया जाता है कि देयर इज जेड फॉर्म, राइट? जेड एंड इट्स इनवर्टेड, जेड एंड इट्स इनवर्टेड जेड, राइट? अब ये जेड है, तो दीज आर दी अल्टरनेट एंगल्स. दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स. ये जेड पैटर्न है. इट इज अ वेरी टिपिकल एंड वेरी सिंपल. सी दिस, यहाँ आपका ऐसा Z बनेगा. This is your Z. मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं so that हमें समझ में आए. This is your Z. See, यह आपका first Z बना. Okay? और यहां मैं थोड़ा ब्लू कलर से शो कर देता हूं. See this? This is your Another Z. Is it? Understood? अभी Z बन गया तो वेरी सिंपल है, क्रॉस कर दो. लेकिन समझो, यानी कि यहां पर क्या आएगा? 6327. 6327. लेकिन हमें क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या हिंट दिया है? क्रॉस. हिंट क्या है? क्रॉस. अभी क्रॉस यानी कैसे? कैसे क्रॉस? तो देखिए, आप रेड पार्ट देखिए, सिक्स उसके साथ ऐसा क्रॉस होगा तो थ्री. समझ आया दोस्तों? सिक्स तो सामने आएगा थ्री. ओके, वैसे हियर इट इज टू, तो हियर इट इज सेवन. सी क्रॉस में आ गया. सी दिस, क्रॉस में आया. सिक्स थ्री टू सेवन, राइट? हाउ मेनी पेयर ऑफ एंगल्स आर देयर? सिक्स थ्री, वन टू सेवन,
सेकेंड यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. इज इट क्लियर? ओके, वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू एक्सप्लेन यू. नंबर ऑफ पेयर, सी करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज मेड ऑन पैरेलल लाइंस बट मेड बाय ट्रांसवर्सल. समझ में आया? जैसे आप हम लोग ड्यूप्लेक्स हो, हम लोग को ये चौल सिस्टम में भी जाए राइट, तो हम लोग नीचे से ऊपर आना हो तो दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक टॉप यानी फर्स्ट फ्लोर है. हमें नीचे से ऊपर आना तो वी नीड स्टेयरकेस राइट, उस स्टेयरकेस से हम ऊपर आते हैं. तो योर फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, ये दो आपके पैरेलल फ्लैग्स हो गए और उसे कनेक्ट कौन करता है? स्टेयरकेस, सीढ़ी. तो स्टेयरकेस है ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस है आपका टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर. इज इट लाइक दैट? तो ट्रांसवर्सल इज मेकिंग दिस थ्री पेयर ऑफ एंगल्स कहां पर? ऑन पैरेलल लाइंस. ओके, इज इट? नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो याद रखने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज congruent. दे आर ऑलवेज congruent. congruent का मतलब क्या हुआ? वॉट यू मीन बाय congruent? इट मीन्स दे आर इक्वल. वो इक्वल होते हैं. इज इट क्लियर? वैसे अल्टरनेट एंगल्स दे आर ऑल्सो इक्वल राइट. ये congruent होते हैं यानी कि दे आर इक्वल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर and alternate angle pairs are always equal. Equal means they are congruent. But interior angle pairs, they are never equal. यहाँ याद रखना है, they are always supplementary. क्या याद रखोगे? They are always supplementary. Is it clear? ये हमेशा क्या होता है? Supplementary. Supplementary means what? सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. सम ऑफ राइट टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री. तो इंटीरियर एंगल्स यानी एंगल नंबर टू प्लस एंगल नंबर थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल नंबर सिक्स प्लस एंगल नंबर सेवन इज 180 डिग्री. ओके राइट, तो इस तरह से लाइक दिस वी कैन रिमेंबर दीज थ्री पेयर ऑफ एंगल्स वेरी वेल. ओके राइट, आज के लेक्चर में इतना ही. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द 3.1 the important exercise of this chapter. Okay, by next lecture mein hum zarur milenge.